भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने आखिरी बार भारतीय टीम के लिए वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में खेला था और तब से वह चोट के कारण बाहर हैं, जिसके लिए इस साल की शुरुआत में उनकी सर्जरी हुई थी। शमी तकनीकी सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन के बाद 100% फिटनेस सुनिश्चित करना चाहते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए कोई समय सीमा तय किए बिना घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। वापसी के लिए कर रहा मेहनत शमी। बंगाल क्रिकेट संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में बोलते हुए मोहम्मद शमी ने कहा कि कोशिश जल्दी ही कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं काफी टाइम हो गया है टीम से बाहर रहते हुए। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जब मैं वापस आऊं तो कोई दिक्कत ना हो। ऐसा माना जा रहा है कि शमी घरेलू क्रिकेट में बंगाल की टीम के लिए क्रिकेट में वापसी करने की संभावना है। वह न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में खेल सकते हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक शमी यूपी 11 अक्टूबर और बिहार 18 अक्टूबर के खिलाफ बंगाल के शुरुआती रणजी मैचों में से एक या दो खेलेंगे। घरेलू क्रिकेट में भी खेलने के लिए तैयार शमी। मोहम्मद शमी ने कहा कि मैं जितनी मजबूती से लौटूंगा मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता और दोबारा चोटिल होने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, चाहे वह बांग्लादेश, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया सीरीज के खिलाफ हो। अगर मुझे अपनी फिटनेस परखने के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने की जरूरत पड़ी तो मैं खेलूंगा। सबसे अहम बात यह है कि मैं विरोध या फॉर्मेट की परवाह किए बिना आगे जो भी आएगा उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम के लिए तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेला है। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 64 टेस्ट मैचों में 229 विकेट, 101 वनडे मैचों में 195 विकेट और 23-0 इंटरनेशनल मैचों में 24 विकेट अपने नाम किए हैं। फिटनेस पर लगा रहे ध्यान। शमी ने दावा किया है कि वह टीम में वापसी करने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन कोई जोखिम नहीं लेंगे। अनुभवी तेज गेंदबाज अपनी फिटनेस पर काम करना चाहते हैं ताकि लंबे समय तक उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कोशिश जल्दी ही कर रहा हूं शमी। बंगाल क्रिकेट संघ CAB के वार्षिक पुरस्कार समारोह में बोलते हुए, जहां उन्हें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया, शमी ने संवाददाताओं से कहा, कोशिश जल्दी ही कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं काफी समय हो गया है टीम से बाहर रहते हुए। हालांकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जब मैं वापस आऊं तो मुझे कोई असुविधा न हो। मुझे अपनी फिटनेस पर काम करना है ताकि कोई असुविधा न हो। जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं शमी। दाएं हाथ के स्टार तेज गेंदबाज शमी टीम इंडिया में वापसी के लिए जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं जितना मजबूत होकर वापसी करूंगा मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता और फिर से चोटिल होने का जोखिम नहीं उठाना चाहता, चाहे वह बांग्लादेश, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया सीरीज के खिलाफ हो। मैंने पहले ही गेंदबाजी शुरू कर दी है, लेकिन मैं तब तक कोई जोखिम नहीं लूंगा जब तक मैं पूरी तरह से फिट नहीं हो जाता। 10 महीने से हैं क्रिकेट से दूर। 34 वर्षीय तेज गेंदबाज को क्रिकेट एक्शन से बाहर हुए करीब 10 महीने हो गए हैं। शमी ने अपना आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ICC वनडे विश्व कप 2023 के फाइनल में खेला था। इसके बाद उन्हें टखने में चोट लग गई, जिसके लिए उन्होंने इस साल की शुरुआत में सर्जरी करवाई थी, लेकिन अब वह दोबारा से टीम इंडिया में वापसी की राह पर है।